श्री कृष्णा ब्रज रसी को उसकी यात्रा में आज हम आए हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर श्री धाम वृंदावन में। यह मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है, वृंदावन के सभी मंदिरों में से ये सबसे बड़ा मंदिर है। ये दक्षिणी शिल्प कला में बनाया गया है, साउथ इंडियन मंदिर भी कहते हैं इसको। यहाँ पे भगवान विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं और विश्राम रूप में उनकी यहाँ पे प्रतिमा है। आइए आपको आप मंदिर के भीतर लेके चलते हैं। राधे 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 राधे। भगवान विष्णु जब युद्ध करके वापस आए थे तो यहाँ पे उन्होंने 4 महीने विश्राम किया था, इसीलिए चौमासा के समय जो वैष्णव समुदाय में चौमासा मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है। और वैकुंठकाशी के दिन भगवान ने अपनी निद्रा तोड़ी थी, उस दिन स्नान कराने से कहते हैं कि वैकुंठ का वास मिलता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा विष्णु विष्णु हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। आपको तो दिखे भगवान की सुबह पूजा की गई थी। ये है सोने का खंभा, आइए जी बाबूजी। अब आ जाओ कुंजी गली में चलना है। आइए अब आपको विजयेंद्र मोक्ष से सरोवर के दर्शन कराता हूँ। आ जाओ जी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय। देखो ये है गजेंद्र मोक्ष। बोलते हैं गज गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, तिलबट सूर रही जल ऊपर तब हरी ना पुकारे। हाथी का पैर दबाया डूबने लगा, पहले घर वालों को पुकारा, उसको डूबते हुआ देख के भाग गया, ले डूब रहा है हमको भी ले देंगे। तब भगवान को पुकारा इतना सूर बचा था हाथी, तब हरी को पुकारा तो हरी ने रक्षा की, चक्कर चलाया गिरा का गला काटा और हरी को, हाँ हाथी को मोक्ष दिया, तो नाम पड़ गया गजेंद्र मोक्ष। रक्षाबंधन को रक्षा किया तो रक्षाबंधन को लीला दिखाया जाता है। जिस दिन राखी बांधते हैं हाँ उसी दिन सावन के महीने है जी बाबू जी। हाथी मगर का लड़ाई दिखाते हैं, बड़ा बड़ा चंदन की लकड़ी का हाथी मगर छोड़ते हैं पानी के अंदर, रक्षाबंधन का लड़ाई होता है। भगवान का पाल किया था बाकायदा वहाँ पे खड़ा होता है, एक रस्सी बांधी जाती है लंबी, उसमें तीर छोड़ते हैं, आग लगा के उसमें 3-2 रॉकेट छोड़ते हैं, 2 मिस होता है, 3 मारते हैं, उसके गले पे जाता है, उसका गला कट जाता है, ताली बजाते हैं, लीला का आनंद
सब भक्त लोग उठाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पर रक्षाबंधन को होता है और क्या जी होता है यहाँ पे, तो लोकल के लोग ही ज़्यादा रहते हैं, उस दिन लड़ाई होती है उसके अंदर में। धक्का मुक्की तो होती है नहीं भाई, मंदिर ही इतना बड़ा है धक्का मुक्की हो नहीं सकती है, बहुत ही आप देख रहे हैं मंदिर इतना बड़ा है, 5,000 लोग आ जाएंगे ना मंदिर में तो पता नहीं पड़ेगा कि मंदिर पूरा है 1.5 किलोमीटर में और बिल्कुल 1.5 किलोमीटर जमुना का जल इसी से प्रसाद होता है। राधे वृंदावन के मंदिरों में ये सबसे बड़ा मंदिर है जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर है। आइए अब आपको लेके चलते हैं इसी मंदिर के अंदर, एक वैकुंठ द्वार है जो कि साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है वैकुंठाकाशी के दिन। कहते हैं कि जिस दिन वो उसके दर्शन कर लेता है कोई भी भगत, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसे वैकुंठ में वास मिलना निश्चित है। रास्ते में फोटो मत लो भाई। राधे राधे मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।